दोस्तों, हर कोई प्रकृति के करीब रहना चाहता है। आजकल के नगरीकरण के दौर में प्राकृतिक परिवेश कहीं खो सा गया है, इसलिए अमूमन नेचर लवर्स पार्कों का रुख करते हैं। पार्क एक ऐसा स्थान है जो प्राकृतिक परिवेश से घिरा होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि संसार के शीर्ष 10 पार्क कौन से हैं? यदि नहीं जानते तो ये जानने में हम आपकी मदद करेंगे। नंबर 10, मनु नेशनल पार्क। मनु नेशनल पार्क हमारी टॉप 10 पार्कों की लिस्ट में शीर्ष 10वें स्थान पर आने वाला पार्क है। ये विशालकाय पार्क 11,800 वर्ग मील में फैला हुआ है। सन 1987 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया था। इस पार्क में आने वाले सैलानियों को 1,000 से अधिक पक्षी, घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय वर्षावन देखने को मिलते हैं। ये पार्क पेरू में स्थित है, जो सैलानियों के लिए वर्ष भर खुला रहता है। नंबर 9, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये पार्क हमारी लिस्ट में 9वें स्थान पर आता है। इस पार्क का क्षेत्रफल 201 वर्ग मील लंबा है। यहाँ आने वाले सैलानी गेंडे और हाथी जैसे विशालकाय जानवरों को देख सकते हैं। यहाँ पर कई दुर्गम पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं। इस पार्क में जंगल के 50 स्तनधारी, 580 पक्षी और 110 पेड़ पाए जाते हैं। ये पार्क उत्तराखंड, भारत में स्थित है, जो कि सैलानियों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। नंबर 8, ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क, यूएसए। हमारी लिस्ट में 8वें स्थान पर आने वाला ये पार्क अमेरिका में स्थित है। यहाँ हर साल 5 मिलियन लोग घूमने आते हैं। 1900 वर्ग मील में फैला ये पार्क दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। यहाँ कई वन्य प्राणी देखने को मिलते हैं। ब्लैक बियर यहाँ का सबसे चर्चित प्राणी है। ये पार्क सैलानियों को पर्वतारोहण की सुविधा भी प्रदान करता है। नंबर 7, नेशनल पार्क इन नॉर्थ एंड ईस्ट ग्रीनलैंड। ये पार्क एक विशालकाय राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। ये आर्कटिक महासागर व ग्रीनलैंड का विशाल एरिया कवर करता है। यहाँ आने वाले सैलानियों को हिमखंड और बर्फ में खेलने का मौका मिलता है। यहाँ के मुख्य आकर्षण में व्हेल मछली, ध्रुवीय भालू, कस्तूरी बैल, वालरस, बर्फी उल्लू और लोमड़ी प्रमुख तौर पर माने जाते हैं। नंबर 6, फिनिक्स आइलैंड्स प्रोटेक्टेड एरिया। 6ठे स्थान पर आने वाला ये पार्क एक विश्व धरोहर माना जाता है। ये पार्क 408,250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक विशालकाय क्षेत्र है। ये आइलैंड का एक बंदरगाह माना जाता है। समुद्री जीवन के साथ प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए मशहूर ये पार्क शार्क और रीफ मछलियों का घर माना जाता है। नंबर 5, पापाहाना उमाकुआकिया मरीन नेशनल मॉन्यूमेंट। हमारी टॉप पार्क की लिस्ट में ये 5वें स्थान पर आता है। ये समुद्री राष्ट्रीय स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले सैलानी प्रवाल और वनों को आसानी से देख सकते हैं। इस पार्क में 7,000 समुद्री प्राणी देखने को मिलते हैं। यदि आप तैरने के शौकीन हैं, तो ये पार्क आपके लिए तैरने की सुविधा भी प्रदान करता है। इस पार्क में कई समुद्री पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियां भी देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही हरा कछुआ यहाँ का एक महत्वपूर्ण आकर्षण केंद्र माना जाता है। नंबर 4, ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क। ये पार्क हमारी लिस्ट में 4थे स्थान पर आता है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित ये पार्क विश्व के 7 अजूबों में से एक है। दरअसल इस पार्क की प्राकृतिक शोभा इसके समुद्री तटों से जुड़ी हुई है। ये एक द्वीप तट है, जो कि गर्मियों में खुलता है। इसे प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक सैलानियों के लिए खोला जाता है। नंबर 3, कावांगो ज़ैम्बेज़ी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया। नंबर 3 पर आने वाला ये पार्क जाम्बिया, बोत्सवाना, नमीबिया, जिम्बाब्वे, अंगोला, इन 5 अफ्रीकी देशों के बड़े क्षेत्रों को कवर करता है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए इस पार्क जैसा दूसरा शायद ही कोई पार्क हो। यहाँ पर कई जंगली जानवरों की दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें ज़ेब्रा, भैंस, लकड़बग्गा, हिप्पोस और हाथी प्रमुख हैं। नंबर 2, गैलापागोस मरीन रिजर्व। हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आने वाला ये पार्क एक समुद्री रिजर्व माना जाता है।
इस पार्क का क्षेत्रफल 1,33,000 वर्ग किलोमीटर है। ये पार्क अपने समुद्री जीवन के परिवेश के लिए बहुत ही चर्चित है। ये सुंदर पार्क सील और डॉल्फिन मछलियों का घर माना जाता है। यहाँ पर आपको शेर भी देखने को मिलते हैं। यदि आप तैरना चाहते हैं तो यहाँ तैरने का अपना ही एक मजा है। नंबर 1, ग्रेट लिम्पोपो ट्रांस फ्रंटियर पार्क। दोस्तों अब बात करते हैं हमारी लिस्ट में आने वाले टॉप पार्क के बारे में। ये पार्क दक्षिण अफ्रीका के लिंग क्रूगर पार्क, जिम्बाब्वे और मोंजाविक के तीन हिस्सों में बटा हुआ है। इसका क्षेत्रफल 1,00,000 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर ये पार्क वन जीवों की दुर्लभ प्रजातियों के लिए भी विख्यात है। यहाँ पर आपको गैंडा, तेंदुआ, हाथी, शेर जैसे जंगली जानवर देखने को मिलते हैं। इस पार्क का प्रवेश शुल्क 1,000 के आसपास है। तो दोस्तों आपको हमारा ये स्पेशल वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।